हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो एक टेस्ट सीरीज। देखो, एक सुझाव की तरफ इसको लीजिएगा, मैं इसलिए ये चीज नहीं बोलने आया हूं कि आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। मैं कुछ बातें आपको बताने आया हूं जिस बातों को बहुत गौर से सुनेगा, खासतौर पर ऐसे लोग जिनका 2024 का प्रीलिम्स होगा, खासतौर पर यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स जो देने वाले होंगे। मैं बेसिकली बात उन लोग की करने आया हूं, ठीक है। अब देखो, कुछ चीजें समझाऊंगा, उसको समझना। उसके पहले छोटी सी टिप्स है। टिप्स ये है कि यूपीएससी हिंदी अपना पहला ओपन टेस्ट वर्ष 2024 के लिए जल्द ही कराने वाली है। विद इन 7 से 10 दिन के अंदर ये पेपर आपको कराया जाएगा, तो आप लोग तैयार रहे यूपीएससी हिंदी के पहले ओपन टेस्ट के लिए, जो कि ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक बात हो गई, ये कैसे कैसे पेपर होगा, कैसे आप इसमें मतलब इनरोल हो सकते हैं, ये सारे प्रोसेस में हम लोग चर्चा नेक्स्ट किसी वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझिए, समझना ये है कि देखो, 2023 के कटाफ पे चर्चा करोगे तो मार्केट के न्यूज के हिसाब से कि जो कटाफ गया है वो अराउंड 94, 95, 93 कुछ ऐसे बन रहा है कि इतना गया है। अब बात होती है सर कि 93, 94, 95 अगर जो भी है कटाफ, यानी 95 प्लस मार्क्स लाए कैसे, क्वेश्चंस नेट सही कैसे करें, क्योंकि 95 नेट क्वेश्चन सही करने के लिए आपको केवल और केवल नॉलेज का हिस्सा नहीं है। 95 क्वेश्चन नेट आप कभी भी नॉलेज के दम पे सही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है यार कि अपनी कमियों पे काम करना, उस एप्टीट्यूड को डेवलप करना, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच है, जो स्किल है, वो डेवलप करना। और वो एक दो महीने का खेल नहीं है कि भाई एक दो महीने में कर ले गए, ठीक है। देखो, इसमें कर लो क्या कि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मैं देखो, यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है, मैं तो चाहूंगा कि आप मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि आप हम लोग के निर्देशन में खुद ही पेपर को बनाते हैं, ठीक है। दिक्कत ये है कि आप कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन करो, ठीक है। ये नहीं कि नहीं टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो, अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है कि हर दो टेस्ट के बीच में एक हफ्ते का गैप होता है। मतलब आप आज पेपर दे रहे हो तो अगले हफ्ते पेपर नहीं होगा, उसके अगले हफ्ते पेपर होगा। यानी एक महीने में केवल दो पेपर होते हैं, हर टेस्ट पेपर के बीच में 15 दिन के गैप मिलते हैं। अब 15 दिन के गैप क्या मतलब हो गया, आप सोच रहे कि अगर आप टारगेट करते हो कि सर पार्ट टेस्ट हिस्ट्री का है, मैं हिस्ट्री का खत्म कर सकता हूँ पढ़ के, तो जाहिर सी बात है 15 दिन में अगर प्री के लिए हिस्ट्री नहीं खत्म होगी तो कब खत्म होगी। 3-3 घंटे 2-2 घंटे पढ़ोगे तो हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो केवल 2 घंटे 2.5 घंटे आपकी प्री की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी और इसी के दम पे टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दोगे। जब पार्ट टेस्ट आपका खत्म होता है तो ये बताता है, अगर आपने पार्ट टेस्ट दे के खत्म कर दिया तो आपने सारे बुक्स की एक बार रीडिंग कर ली प्रीलिम्स के लेवल पे, ठीक है। फिर आपका जब दिसंबर या जनवरी में पहुंचोगे ना, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर अभी तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, बस पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। सारे पार्ट जो जितने भी सेक्शनल पेपर्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, सब आपके खत्म हो जाएंगे। अब आपको रिवीजन मैक्सिमम करना होगा तो जनवरी से लेके अप्रैल तक आप लग जाओ रिवीजन पे, लेकिन अभी से 2-2 घंटे इसी बहाने टेस्ट के बहाने आपकी जो तैयारी है प्री की वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। केवल 2 घंटे में आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे तो वो बताएगा कि ये सब्जेक्ट आपका अच्छा है। जब टेस्ट में खराब स्कोर आएगा तो पता चलेगा यार ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा कमजोर है। यहीं से आप टेस्ट में 140 क्वेश्चन प्लस अटेम्प्ट करने का टारगेट सेट करो, ताकि एग्जाम में आप 140 प्लस क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट वो कर पाओ। यहाँ पे जो गेस वर्क है, गेस वर्क पे काम करना यहाँ से शुरू कर दो। यहाँ पे क्या है कि हर 15 दिन में टीम क्या करेगी, आपका जो पेपर होगा तो आपसे बातचीत करती है, जो भी आपके डाउट्स होंगे उन डाउट्स को पूछोगे, तो बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा होता है स्ट्रेटजी को तैयार करने में, टाइम टेबल को सेट करने में। आप अभी सोचोगे सर कैसे पढ़े, बट आप कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देखो, आप प्री का टेस्ट सीरीज कभी ज्वाइन करके देखो, मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देखो, आपको खुद लगेगा कि आपको किसी से स्ट्रेटजी नहीं पूछनी है कि मैं ये कैसे पढ़ूं, किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, इस हफ्ते कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं। आपको वो टाइम टेबल ऐसा मिलता ही है, आप अपने को उस परिधि के अनुरूप ढाल लेते हो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेते हो। तो यहां से हम लोग अपनी बातों को बंद करेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, ओपन टेस्ट होने वाला है, ओपन टेस्ट को ज्वाइन जरूर करिएगा, ओपन टेस्ट दीजिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यूपीएससी हिंदी के टेस्ट से जुड़ना चाहते हो तो आप 9519780078 ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होगा, वहां से आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और टेस्ट सीरीज की डिटेल्स ले सकते हो। मैं बता देता हूं, इसमें कुल 24 पेपर है, हर वीक मंथ में 2 पेपर हो रहे हैं, ठीक है, 24 पेपर है, फीस केवल 2000 रुपए। सारे ओपन टेस्ट भी यहां भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपको सबके लिए ओपन टेस्ट कराए जाएंगे, तो जो भी सुविधाएं हैं इसमें आपको मिलने वाली है। न्यू ओपन टेस्ट जल्दी हम लोग स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। जय हिंद।